और ये स्टैंड है, इसको ऐसे रखेंगे। तो दोस्तों मोमो स्टैंड नहीं था इसलिए मैंने कढ़ाई पर दिखाया आपको, और रख दिए हैं इसके ऊपर, रख देंगे ऐसी गहरी थाली जो ये चिपके ना। तो देखिए क्या अच्छे पके हैं ये, इस तरीके से ही पकाने हैं ना, बिल्कुल ये कच्चे हैं। देखिए क्या चमक है इसमें, और जो मैंने इसमें तेल लगाया कितनी जल्दी निकल गए हैं। आ जा इसके अंदर रख, और यहाँ पे बैठ जा, चलो हाय कर दो, हाय कर दो, हाय दोस्तों, ले ले ये देख, देखिए इतनी शैतानी हो रही है यहाँ, मैं इसी के पीछे रह जाती हूँ तो मेरी रेसिपी कब बनेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किचन शो में। तो दोस्तों मैंने लगा दी है दुकान, आज बनाने वाली हूँ मैं मोमो, वो भी बीन के और बड़ी प्याज के शानदार से मोमो। देखिए मेरी पोती भी दिखा रही है आपको, उधर दिखा दो, हाय भी कह दो। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये भी सीखने लग गई है रसोई का, सारा खाने वाने का इंतजाम ये भी करती है दोस्तों, ये लेके आती है सामान। तो दिखाओ, चलो आज हम मोमो बना रहे को। हाँ तो फिर दिखाते हैं आपको मोमो बना के। तो हम पानी में भिगा देंगे बड़ी को, ढक देंगे, तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। तो मैंने डब्बे में रखा है मैदा आधा किलो, तो हम आधा किलो के मोमो बनाने वाले हैं, छान लेंगे। तो मैंने पानी ले रखा है, हम सिंपल तरीके से आटा गूंदेंगे। सिंपल तरीके से आटा गूंदो तो मोमो बहुत अच्छे होते हैं। तो पानी हमने कम से कम इसमें एक गिलास लेना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो मैं बाहर से बना रही हूँ इसलिए मैंने पानी का इंतज़ाम कर रखा है, कभी पानी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो अच्छे से हम आटा गूंद लेते हैं, ज़्यादा हमने टाइट भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा हमने लूज भी नहीं गूंदना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसी हमने आटा गूंद के रख लेना है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर इसको घर पर बनाना, सिंपल तरीके से कैसे मोमो बनते हैं और क्या स्वादिष्ट बनाऊंगी, उंगलियां चाटते रह जाओगे आज। तो अब मैं आटा गूंद के दिखाती हूँ आपको। तो आटा मैंने मैदे का गूंद लिया है, इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए, तब तक हम सब्जियाँ काट लेते हैं। तो ऐसे करके ढक देंगे इसको, बस साइड में रख देंगे। तो मैंने 3 प्याज ले रखे हैं बड़े बड़े, और बीन ले रखी है, इनको हम काट लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। और बीन काटनी है हमने बिल्कुल बारीक छोटे सी, तो मैंने बीन धो रखी है, इस तरीके से हम छोटे छोटे काट लेंगे, जैसे हम हरी मिर्च काटते हैं उस तरीके से हमने इसको काटना है। मोमो में बहुत अच्छा टेस्ट आता है बीन का। तो सोयाबीन हमारी भीग रही है, तब तक हम सब्जी की बना लेते हैं। तो हम प्याज काट लेंगे, ये बीच की गांठ निकाल दूंगी, प्याज मैंने छील लिया था, इस गांठ को कभी नहीं डालने चाहिए, बेकार होती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको बारीक काट के कैसे बारीक काटा जाता है, आज मैं नुस्खा लेके आई हूँ आपके लिए। तो देखिए पर जिससे हमने गोल काट लिया है, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे इसको, अब छोटे छोटे पीस इस तरीके से काट लेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी कट जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैंने बारीक काट लिया है बीन, और एक टुकड़ा अदरक का भी, ये भी बारीक काट लिया, और प्याज। तो देखिए हमने ले रखी है बड़ी, ये भीग चुकी है बढ़िया, तो इसको हम निचोड़ लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से एक बार धो के, और इसका छोटा छोटा हम टुकड़ा इस तरीके से खींच लेंगे, मेरी बहू लगेगी मेरे साथ। तो दिखाते हैं आपको छोटे छोटे टुकड़े बना के, तो इसको अच्छे से हम निचोड़ के। तो हमने बड़ी देखिए काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसी में हम मिलाएंगे प्याज। अब हम कर रहे हैं मोमो की तैयारी, बनाते हैं पहले मोमो का मसाला। तो अदरक भी काट रखा है हमने छोटा छोटा, इसको भी डाल देंगे इसमें। बीन तो हम डाल देंगे इसमें, नमक स्वाद अनुसार। तो हमने ले रखा है अजोनोमोटो 1 चम्मच, इसको भी इसमें मिला देंगे। तो दो चम्मच हमने बटर ले रखा है, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मोमो चटनी मिलाएंगे हम इसमें 1 चम्मच। अब इसको हम हाथों से बढ़िया करके सान लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बढ़िया करके छान सान लेंगे।
तो देखिए फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब चढ़ाएंगे हम इसमें नॉन स्टिक कढ़ाई, 2 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं भाई, इतना ही डालेंगे 2 चम्मच। तो गरम हो गया है तेल, हम डाल देंगे इसमें जो हमने फिलिंग बना रखी, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, अच्छे से दोस्तों फ्राई करेंगे बढ़िया करके। इसका थोड़ा सा जो प्याज का पानी होता है वो भी आ जाता है, नमक लगा के बड़ी का भी, इसका पानी सुखाएंगे और बीन थोड़ा सा हम पकाएंगे। तो देखिए फिलिंग बन चुकी है, इसको हमने जलाना नहीं है, खाली पानी सुखाना था। तो हरी बीन भी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है, तो निकाल देंगे हम इसको, ठंडा करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको मोमो का पानी चढ़ा के। तो हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, इसमें डालते हैं पानी मोमो के लिए। तो हम बना रहे हैं कढ़ाई में मोमो, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 लीटर पानी, इसको उबलने के लिए रख देती हूँ ढक के, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए, देखिए कितना बढ़िया हो गया है, रख के आटा बहुत अच्छा हो जाता है। इसको फिर हम अच्छी तरह से और मसल लेंगे और दिखाते हैं आपको मोमो बना के। तो आटा रेडी हो चुका है, देखिए जब इसको आटा हम 10 मिनट के लिए रख देते हो कितना बढ़िया बन जाता है, सॉफ्ट बिल्कुल। अभी मैंने गीला करके कपड़ा ले रखा है, इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि बाहर से हवा लग रही है, मक्खियाँ भी आ जाती हैं, तो हम बड़े हिसाब से बनाते हैं, आटा सूखता नहीं है ऐसे ढक के। तो देखिए फिलिंग रेडी है इधर, इसको भी ढक देंगे, आटा ले रखा है। अब बनाते हैं हम छोटी छोटी लोई, तो थोड़ा सा आटा निकालेंगे और ढक लेंगे दोस्तों इसको इस तरीके से, जितने बड़े हमने बनाने हैं उतने उतने निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं मोमो और ज़्यादा छोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से हम इनको गोल कर लेंगे, जितना हाथ में हम बढ़िया गोल करेंगे उतने गोल हमारे मोमो बनते हैं। इधर सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे, देखिए तो देखिए इतने पतले पतले सही हैं, इसी तरीके से मोमो बनते हैं। तो इनको हाथ में रखेंगे, इधर फिलिंग, ये देखिए 1 चम्मच बहुत है इसमें, साइड से नहीं लगने देंगे इसको। तो दिखाते हैं आपको, देखिए हाथ को हम ऐसे कर रहे हैं और जो हमने ये इस तरीके से मोड़ रखा है, तो ऐसे हम पल्ले इसके पकड़ेंगे, ये देखिए। तो ऐसे करके दोस्तों बढ़िया मोमो बन जाते हैं, इसको अंदर करेंगे इस तरीके से, ये पल्लों को पकड़ के, तो हमारे मोमो देखिए। एक बार और दिखाती हूँ इसको, देखिए थोड़ा सा अंदर को हम इस तरीके से दबाएंगे फीलिंग को, और हाथों से ऐसे करके चुन्नट लेंगे इसकी इस तरीके से, ये देखिए, और अंगूठे से इसको फीलिंग हम अंदर दबाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों हलवाई लोग ऐसे ही मोमो बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ छोटे छोटे, तो अब दूसरे किस्म का बनाऊंगी मैं। देखिए गोल मैंने कर लिया है, 1 चम्मच फिलिंग इसके अंदर डाल दूंगी, बीचों बीच में रखनी है इसको, और जो हमने ये पल्ला पकड़ रखा है इस तरीके से हम इसके इस तरीके से दबा देंगे, ये खुलेगा भी नहीं। तो अब इस तरीके से हम इनको, तो ये देखिए क्या बढ़िया मोमो बनाया है। तो दोस्तों ऐसी बना लेती हूँ, बिल्कुल गुलाब का फूल जैसा दिख। तो मोमो बन के रेडी हो गए हैं देखिए, तो मैंने ले रखी है जाली वाली। तो दोस्तों मैंने ये घर पर ही जाली बनाई थी कील से छेद करके, तो बढ़िया सी थाली बन गई है दोस्तों। घर पर मेरे पास बर्तन थे, आप प्लेन वाली में भी बना सकते हो इसमें तेल लगा के, तो मैं इसमें बना रही हूँ। ऐसा होता है कि इसमें जल्दी बनते हैं, इसमें भाप अच्छी जाती है, तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, मोमो इसमें चिपकेंगे नहीं। तो एक एक करके हम इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या बढ़िया बनाए हैं। और ये वाले मैंने नैनीताल के मोमो बनाए हैं, देखिए नैनीताल जब मैं गई थी मैंने इस तरीके का डिजाइन वाला खाया था, तो ये वाले डिजाइन मैंने बनाए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों घरेलू नुस्खा,
तो मैंने कढ़ाई में पानी उबाल दिया है। स्टैंड मेरे पास था नहीं, हर किसी के घर में स्टैंड नहीं होते हैं, और ये स्टैंड है, इसको ऐसे रखेंगे। तो दोस्तों मोमो स्टैंड नहीं था, इसलिए मैंने कढ़ाई पर दिखाया आपको और रख दिए हैं। इसके ऊपर रख देंगे ऐसी गहरी थाली जो ये चिपके ना। बस इसको देखते हैं हम 20 मिनट बाद, आग जलाएंगे। तो दोस्तों बहू मेरी चाय ला गई थी, तब तक के लिए चाय पीती हूँ, ये बन जाएंगे फिर खिलाऊंगी आपको। तो 20 मिनट हो चुके हैं, वाओ। तो देखिए मोमो रेडी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी ऊपर से, बटर से बहुत अच्छा स्वाद आता है। फिर एक बार और ढक्कन लगाएंगे इनको। थोड़ी देर और रखेंगे हम इसको, 2 मिनट। तो खोलते हैं ढक्कन, तो देखिए क्या शानदार मोमो हो गए हैं। तो देखिए क्या अच्छे पके हैं ये, इस तरीके से ही पकाने हैं ना, बिल्कुल ये कच्चे हैं। देखिए क्या चमक है इसमें, और जो मैंने इसमें तेल लगाया कितनी जल्दी निकल गए हैं। तो निकाल लेते हैं हम इनको, तो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों जल्दी जल्दी एक लाइक कर दो। नैनीताल भीमताल सब आ गए हैं हमारे मोमो। लीजिए दोस्तों रेडी हो चुके हैं मोमो, ये मेरे घरेलू नुस्खा है ये, और आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं, ये देखिए क्या अच्छे बने हैं, वाओ। तो हम लगाएंगे इसमें चटनी, ये मोमो चटनी भी बनाई थी मैंने, और इधर म्यूनिस। ये दोस्तों ये आपके लिए, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।